गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर है। तो लास्ट हमने मैथ्स में क्या देखा था कि हमने टेबल्स किए थे, ओके? तो सबने यहाँ तक याद कर लिए होंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार सब मेरे साथ बोलोगे और याद भी करोगे। तो वन का टेबल बोल रहे हैं, वन वन जर वन, वन टू जर टू, वन थ्री जर थ्री, वन फोर जर फोर, वन फाइव जर फाइव, वन सिक्स जर सिक्स, वन सेवन जर सेवन, वन एट जर एट, वन नाइन जर नाइन, वन टेन जर टेन। ये हो गया वन का टेबल। अब हम देखते हैं टू की टेबल। तो टू की टेबल भी हमने देखी है। टू वन जर टू, टू टू जर टू, टू जर फोर, टू थ्री जर सिक्स, टू फोर जर एट, टू फाइव जर टेन, टू सिक्स जर ट्वेल्व, टू सेवन जर फोर्टीन, टू एट जर सिक्सटीन, टू नाइन जर एटीन, टू टेन जर ट्वेंटी। तो ये हो गई हमारी टेंथ की टू की टेबल। तो यहाँ तक आपको याद रह गई होगी। टू की टेबल भी बिल्कुल आसान है, यहाँ तक आपको याद रह गई होगी। अब हम देखते हैं थ्री की टेबल। कल हमने थ्री की टेबल भी की थी ना, हाँ? तो हम थ्री की टेबल भी एक बार देख लेते हैं। थ्री वन जार थ्री, मेरे साथ बोल बोल के आप याद करोगे और लिखोगे ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। अगर याद नहीं रहता है तो आप, अगर आप देखोगे मेरे साथ बोल के लिखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा। नहीं आता है तो टू टाइम्स थ्री टाइम्स, अभी आप फ्री हो ना घर पे, तो टेबल सीख लेना, ओके? तो टेबल सीखोगे तो आगे आपको सम्स करने में आसानी होगी। फिर हमारा है थ्री का टेबल। थ्री वन जर थ्री, थ्री टू जर सिक्स, थ्री थ्री जर नाइन, थ्री फोर जर ट्वेल्व, थ्री फाइव जर फिफ्टीन, थ्री सिक्स जर एटीन, थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन, थ्री एट जर ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जर थर्टी, ओके? तो अब हम सीखेंगे फोर की टेबल। फोर की टेबल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कि फोर वन जर फोर, मेरे साथ बोलते जाना और लिखते जाना, ओके? फोर टू जर एट। तो देखो, आप इसको अगर उल्टा करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। हमने टू की टेबल में देखा था कि टू फोर जार कितने होते हैं, तो कि एट, और फोर टू जार भी इक्वल ही होते हैं। तो ये आंसर दोनों में सेम आता है। तो अगर आपको टू फोर जार आता है तो फोर टू जार भी सेम ही आंसर होता है, ओके? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपको पूछे कि फोर टू जार कितना होता है, तो कि एट, और टू फोर जार भी एट ही होता है, ओके? फिर आता है फोर थ्री जार ट्वेल्व। तो ये हमारा, अगर हम उल्टा करें, यह हमें आगे भी आ गया है, थ्री की टेबल हमने अभी की ना, हाँ, तो उसमें भी आ गया है। तो थ्री फोर जार ट्वेल्व, और फोर थ्री जार ऑल्सो ट्वेल्व, ओके? तो ये आपको बिल्कुल आसानी होगी। ये देखो, अगर कोई आपको थ्री फोर जार पूछे तो उसका आंसर भी ट्वेल्व होता है, और फोर थ्री जार पूछे तो भी उसका आंसर ट्वेल्व होता है। फिर आता है फोर फोर जार सिक्सटीन। यहाँ पे फोर फोर नंबर का गेम होगा। अगर एट है, ये एक आता है, तो अगर ये फोर थ्री जार नहीं आता तो एट है, इसमें फोर डालोगे, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो देखो आ गए आंसर। इस तरह से भी आप टेबल्स कर सकते हैं, ओके? तो फोर फोर जार सिक्सटीन। फिर है फोर फाइव जार ट्वेंटी, कितने होते हैं फोर फाइव जार ट्वेंटी? फोर सिक्स जार ट्वेंटी फोर, फोर सिक्स जार ट्वेंटी फोर, फोर सेवन जार ट्वेंटी एट। देखो
28। अब आता है 4 8 32, कितने हो गए 32। 4 8 32, 4 9 36, ओके, एंड लास्ट 4 10 40। ये तो सबने आता है, 10 9 नंबर का डिफरेंट रहता है। तो ये हो गई हमारी 4 की टेबल। आप बोलते जाना और लिखते जाना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। और लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम स्कूल पे मिलेंगे तो आपको टेबल्स बिल्कुल ये से फटाफट आने ही चाहिए, ओके। फिर नहीं बोलना है मुझे कि मैं मुझे टेबल्स अभी याद नहीं है, ओके। अभी आप घर पे फ्री रहते हो, मम्मा अगर काम कर रही होती है तो आपको क्या करना है, बुक लेके बैठ जाना है और टेबल्स लिखने लगे, भले ही आपको आते हो, ओके, पर दिन में एक बार तो आपको बुक में लिख लेने, सिर्फ बोलने नहीं है, दोनों करना है, लिखना भी है, पर कैसे, तो के बोलते बोलते, ओके, तो दोनों याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं 5 की टेबल। तो 5 की टेबल तो बिल्कुल आसान है ना, 5 5 नंबर का गैप है, 5 1 5, 5 2 10, 5 को 5 में 5 डाले तो कितने होते हैं, तो कि 10, ऐसे हम काउंट करते हैं ना, आपने नीचे किया होगा ना, हाँ, तो 1 2 3 4 5, इसमें 6 7 8 9 10, तो हो गया आंसर 10। तो ये सब इतना सब आपको नहीं करना पड़े, तो इसको 5 2 10 आंसर आ जाता है। अब आएगा 5 3 15, 10 में 5 डालो तो कितने होते हैं, तो कि 15। 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, and 5 10 50। तो ये हो गई हमारी 5 की टेबल। तो अभी आपको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक पहले आपको क्या करना है, देखो अगर आपको अगर 3 से टेबल नहीं आती है तो आपको पहले क्या करना है, 3 की टेबल 2 टाइम 3 टाइम, जितनी तक जहां तक आपको ना आए, तो भले ही 2 दिन लगे पर बिल्कुल याद कर लेना। 3 की टेबल सीख ली, फिर हमने 4 की टेबल सीखनी है, ओके। तो 4 की टेबल भी यहाँ पे देखो मैंने लिखवाई है, तो ये आपको सीख लेना है। फिर हमें क्या करना है, तो कि 5 की टेबल, और जिसको 5 तक की टेबल्स बिल्कुल याद है उसको क्या करना है, तो कि रोज अपनी रफ कॉपी में 1 से 5 तक टेबल्स लिख डालने, ओके। सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आपको ऐसे ही सोचने की अभी मेरा स्कूल का टाइम है, तो आपको फ्रेश होके बिल्कुल ना धो के बैठ जाना है अपनी बुक लेके, और 1 टाइम टेबल्स जितने भी याद है ना वो सब लिख लेने, तो आपको याद भी रह जाएगा और याद करने में मजा भी आएगा, ओके। तो खेलने तो जाना ही है, पूरा दिन हमने खेलते ही है, ओके। तो थोड़ा अब हमें पढ़ाई में भी ध्यान देना होगा ना, हाँ। तो मैथ्स हमारा बिल्कुल इस बार का इजी है, पर टेबल्स आपको करने कंपलसरी है, तो आपको टेबल्स पे यहाँ पे फोकस करना है। तो हम यहाँ आज हमने देखी 5 तक की टेबल, ये घर पे सब कर लेना,